कांटी प्रखंड क्षेत्र के दादर कुलुआ पंचायत के वार्ड संख्या 5 में स्थानीय मुखिया द्वारा निजी जमीन पर पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य कराने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर भूस्वामी ने बुधवार को कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति को ज्ञापन सौंप कर मामले से अवगत कराया है। भूस्वामी आमोद कुमार सिंह ने बताया कि स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के मिलीभगत से जबरन उनके निजी जमीन पर सड़क का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी खतियानी जमीन उनके दादी के नाम से है। घर में शादी विवाह का माहौल का फायदा उठाते हुए स्थानीय मुखिया ने अंधेरे में जबरन उनके जमीन पर सड़क का निर्माण करा दिया। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। एक पक्ष के द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण निजी जमीन को छोड़कर किया गया है। उन्होंने बताया कि वास्तविक स्थिति जाकर स्थल पर निरीक्षण कर मिलेगी। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं। मामला यह है कि मेरे दादर कोलुआ पंचायत के मुखिया राम किशोर सहनी, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक विपिन कुमार द्वारा मेरे निजी जमीन में जबरन बलपूर्वक संख्या बल अधिक होने के कारण, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हम लोगों का घर वहाँ पर कम संख्या में है और जिसके कारण जबरन मेरे निजी ज़मीन में रास्ता का निर्माण कर दिए हैं। ठीक है, और कहने पर मुखिया जी कहते कि आपका तो वहाँ ज़मीनें नहीं है, जबकि मेरे दादी यशोदा कुमार के नाम से खतियानी ज़मीन है और हम लोगों का बहुत वर्षों से हम लोगों के अकल से वह ज़मीन मेरे कब्जा में है, लेकिन संख्या बल अधिक होने के कारण जबरन 5 नंबर वार्ड का मामला है, दादर कोलुआ के 5 नंबर पीसीसी हो रहा है। सोलिंग था पहले से? पहले से सोलिंग हल्का फल्का सा टूटी फूटी था जो कि हमारे ज़मीन से हटके था, लेकिन उसको जबरन जो है कि राता राती हम लोग शादी विवाह के घर में फंसे हुए थे, मेरे भतीजा का शादी था, जिसके कारण वो मौका का फ़ायदा उठाकर जबरन राता राती काम करा दिया गया। आपका वो मेरा खतियान है, 1 एकड़ जो है कि 42 डिसमिल का खतियान है, 4 एकड़ 42 डिसमिल का मेरा खतियान है। लगभग मेरा मोटा मोटी 2 कट्ठा मेरा ज़मीन सड़क में वहाँ जा रहा है। आपको सूचना नहीं दिया गया? कोई सूचना नहीं दिया गया है, न कोई हमसे वो ज़मीन सड़क निर्माण में किसी तरह का सहमति भी नहीं हमसे लिया गया है। मामले को संज्ञान में दिए अधिकारी? इस मामले के संज्ञान में मैंने पंचायत सचिव से भी बात किया था, कनीय अभियंता से भी, तकनीकी सहायक से भी बात किया था, BDO साहब से कल बात भी मैंने किया था, मुखिया जी से भी कल मैंने बात किया था और अभी मैं ज्ञापांक जो है कि BDO साहब को देकर हम BDO साहब को मैंने दिया हूँ और मामला से अवगत कराए हैं और साथ साथ यह मामला को उजागर जो है कि हम DM से लेके सब लोगों को हम संज्ञान में दिए हैं, अंचलाधिकारी को भी इसका ज्ञापांक हमने दिया है। आज क्या कहें इससे BDO साहब? BDO साहब बोले कि कल हम निरीक्षण कर लेते हैं, अगर आपका वाकई में ज़मीन का अतिक्रमण किया करके निर्माण किया गया है तो सरकारी राशि का भी वसूल किया जाएगा और साथ साथ अंचलाधिकारी से हम जांच करवा कर आपके ज़मीन बहाल करके आपको हम ज़मीन से मुक्त कराएंगे। आमोद कुमार सिंह, ग्राम कोठियापुर, पोस्ट मुस्तफापुर, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर, हम पंचायत दादर कोलुआ। हम दोनों पक्ष से मैंने बात की है, तो एक पक्ष का कहना है कि जो उनकी निजी भूमि है वहाँ मैंने PCC का कार्य या सोलिंग नहीं कराया है, जितनी उनकी निजी ज़मीन है वहाँ मैंने छोड़ दिया है, अब क्या वास्तविक स्थिति है उसको जांच उपरांत ही उस पर बात की जाएगी। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।